सागर के कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन में युवाओं के साथ धोखाधड़ी का काम किया जा रहा है और शासकीय योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसको लेकर कांग्रेस जनप्रतिनिधि और कांग्रेस की जनता ने उग्र आंदोलन किया। सागर कलेक्ट्रेट आकर कलेक्ट्रेट में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और शिवराज सिंह की सरकार को चेतावनी दी कि यदि युवाओं के साथ धोखाधड़ी होगी तो बहुत ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। अंतर्गत हम आपको ध्यान विधानसभा क्षेत्र सागर जिले में शासकीय योजनाओं में व्याप्त अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और श्रमिकों के साथ किए जा रहे धोखा व किसानों आमजनों की विभिन्न बुनियादी समस्याओं की ओर निम्न अनुसार आकर्षित करना चाहेंगे। नंबर एक, यदि ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।